एक बेबी मॉस्किटो वॉज ऑन इज मेडन फ्लाइट. उसके माता पिता देख रहे थे कि हमारी बेबी मॉस्किटो की फर्स्ट फ्लाइट है विंग्स आने के बाद. एक स्टोरी है. एंड द मदर एंड फादर वर वॉचिंग, ओह व्हाट अ वंडरफुल फ्लाइट, गुड टेक ऑफ. पूरे रूम में घूम के वो बेबी मॉस्किटो वापस आया माता पिता के पास. और उसकी माता ने बहुत इंक्विजिटिवनेस से पूछा, हाउ वॉज योर मेडन फ्लाइट, पहली फ्लाइट कैसे थी. तब बेबी मॉस्किटो ने बताया, मॉम इट वॉज ग्रेट. मॉम ने पूछा कैसे. मॉम एवरीबडी वेर क्लैपिंग फॉर मी, मेरे लिए सब ताली बजा रहे थे. पता चला क्या था, सब एक्चुअली क्या कर रहे थे, उसको मारने का प्रयत्न कर रहे थे. और उसने क्या एटीट्यूड रखा, मेरे लिए तालियां बजा रहे थे. जब मारने के लिए भी प्रयत्न हो तब भी मेरे लिए तालियां है, दिस इज द ग्रेटेस्ट एटीट्यूड इन लाइफ. एंड देर इवन हैप्पी. कितना आनंदित हो गए वो छोटा बेबी मॉस्किटो, कितना आनंद में आ गया होगा, अरे यार इन माय मेडन फ्लाइट एवरीबॉडी वर क्लैपिंग फॉर मी. हाईएस्ट काइंड ऑफ एटीट्यूड्स इन लाइफ. सिचुएशन के मुताबिक एडजस्ट हो जाओ, दिस इज एटीट्यूड. पानी की तरह सीखना, पानी ग्लास में भर देते तो शेप क्या ले लेता है, ग्लास का. बकेट में भर दो तो शेप क्या ले लेता है, बकेट का. सिचुएशंस के मुताबिक सेट हो जाओ. एडजस्टमेंट इज लाइफ, कॉम्प्रोमाइज इज लाइफ. एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज इज द एटीट्यूड ऑफ लाइफ. सब मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए. मुझे आपको प्रश्न पूछना है कि आपके घर में सब आपके हिसाब से चलता है. बिपिन राम जी, घर के चार दीवार के अंदर, ऑफिस में तो कुछ भी चलता होगा, वहां तो बहुत कम चलता होगा. सब अपने हिसाब से नहीं चलता है. इफ यू डोंट रिमेंबर अदर थिंग्स इन द टॉक, रिमेंबर ओनली दिस मच, एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज शुड बी द एटीट्यूड ऑफ लाइफ. आप भी कुछ हैं, हम भी कुछ हैं, लेकिन कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम CMP कैसे बना के मैं भी थोड़ा अपना रखूं और थोड़ा छोड़ दूं, आप भी अपना थोड़ा रखें और थोड़ा छोड़ दें, ताकि हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाए और काम करें और थोड़ा नतीजा लेके आए. दैट शुड बी द एटीट्यूड इन लाइफ. नहीं, अगर मेरे विचार में आपको सम्मिलित होना है तो ही दूसरी बार मीटिंग में आप आना. दिस इज नॉट द